बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जाती है और रंगदारी नहीं देने पे जान से मारने की धमकी दी जाती है। और इस पूरे मामले के बाद एमपी पुलिस इस घटना को गंभीरता से लेती है और जांच में जो बातें निकल के आती है कि विशेष ऐप के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री से रंगदारी मांगी गई थी और इसके तार पटना से जुड़े हुए थे। एमपी पुलिस पटना पहुंचती है और पटना में पहुंचने के बाद ही कंकड़बाग थाना पुलिस के सहयोग से आकाश नामक युवक की गिरफ्तारी होती है जो खुद को बिश्नोई गैंग का मेंबर बताता है। पुलिस युवक को गिरफ्तार करके लगातार मामले की जांच कर रही है। मीडिया से बात करते हुए कंकड़बाग थाना प्रभारी ने क्या कुछ कहा, जरा आप सुन ली। मध्य प्रदेश छतरपुर की पुलिस आई थी बमीठा थाना से, दिनांक 7/12 रात्रि में आई थी। उन्होंने हमसे मदद मांगी और बताया कि ऐसे से धीरेन्द्र शास्त्री जो आचार्य है उनको ईमेल के माध्यम से रंगदारी की मांग की गई है। CDR के आधार पर टावर लोकेशन के आधार पर उस लड़के को आइडेंटिफाई किया गया था। फिर हम लोग के सहयोग से उस लड़के को पूछताछ के लिए थाना लाया गया। फिर बमीठी पुलिस रात्रि में उसको लेकर 8 तारीख के रात्रि में ही लेकर यहाँ से प्रस्थान की गई थी पूछताछ के लिए। वो लड़का एक्चुअली रहने वाला है नालंदा जिले का, आकाश कुमार नाम है, नालंदा जिला का रहने वाला है, अशोक नगर में किराए के मकान में रह रहा है। पटना में कहाँ से गिरफ्तारी हुई? अशोक नगर से ही गिरफ्तारी। इस पूरे इसमें वो जो ऐप का यूज किया गया था उसमें उनके द्वारा बताया गया था कि बाहर से मदद लिया गया, जिसके आधार पर पता चला कि किस मोबाइल से ये घटना किया गया है। फिर उस मोबाइल को यहाँ से पुलिस मोबाइल को भी बरामद किया जो एक स्पेशल मेल था, ऐप था, उस स्पेशल ऐप को बाहर की पुलिस से मदद एमपी पुलिस ली थी, तो उसके आधार पर आइडेंटिफाई हुआ था। फिलहाल आप लोगों ने प्रारंभिक पूछताछ किया तो युवक ने क्या बताया, उसके क्या मंशा थी इस तरह के? वो बताया कि गलती से।